Welcome in my class. What we have discussed in our last class? Addition and subtraction. Okay? Today we are going to start our chapter 3. That is multiplication and division. So, first of all, multiplication करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल स्मॉल डिजिट है उसका मल्टीप्लाई बताऊंगी कि कैसे करते हैं. तो जैसे ये देखिए, सबसे स्मॉल डिजिट है 125 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? 125 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 4 जो है, जो डाउन साइड वाले डिजिट है, इसको अपसाइड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए, 4 को 4 की टेबल को 5 टाइम स्पीक करना है. क्या करना है? 4 की टेबल को 5 टाइम स्पीक करना है. 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20. ठीक है, 4 की टेबल को अपन ने क्या किया? 5 टाइम स्पीक किया. 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20. तो 20 आ गया. तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 20 का 0 तो यहाँ पे राइट कर देंगे और 2 जो है इससे नेक्स्ट वाले डिजिट पे राइट कर देंगे. बिल्कुल एडिशन की तरह, जैसे एडिशन में कर रहे थे अपन, उसी तरीके से करना है. तो 20 आया तो 0 यहाँ पे राइट कर दिया और 2 यहाँ पे राइट कर दिया इससे नेक्स्ट वाले डिजिट पे. अब क्या करेंगे? 4 की टेबल को 2 टाइम स्पीक करेंगे. क्या करेंगे? 4 की टेबल को 2 टाइम स्पीक करेंगे. 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8. आंसर क्या आया? 8. 8 में क्या करेंगे? ये 2 जो कैरी था इसको ऐड कर देंगे. तो 9, 10. ठीक है, 8 में 2 ऐड किया तो 9, 10. तो 10 का 0 यहाँ पे राइट कर देंगे और 1 यहाँ पे राइट कर देंगे इससे नेक्स्ट वाले डिजिट पे. ठीक है, फिर देखिए, 4 की टेबल को 1 टाइम स्पीक करना है. 4 वन जा 4, 4 में 1 ऐड कर दो, कितने आ गए आंसर? 5. ठीक है, तो अपने पास टोटल जो आंसर है वो आए हैं 500. नेक्स्ट देखिए, ये था 1 डिजिट का. अब मैं आपको बताऊंगी 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले अपने को फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है. तो 2 को 2 की टेबल को फर्स्ट 1 टाइम बोलेंगे. 2 वन जा 2, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2. फिर नेक्स्ट देखिए, 2 की टेबल को 4 टाइम बोलिए. 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8. आंसर क्या आया? 8. फिर देखिए, 2 की टेबल को 2 टाइम स्पीक कीजिए. 2 वन जा 2, 2 टू जा 4. आंसर क्या आया? 4. फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इससे नेक्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाले डिजिट्स कहाँ पे राइट करेंगे? इनसे नीचे की साइड में. ठीक है, इनसे नीचे की साइड में, इस वाली लाइन में. ठीक है, और अगर 3rd डिजिट होगी तो उसको कहाँ पे राइट करेंगे? इससे नीचे की साइड में, यहाँ पे. ठीक है, तो सेकंड नंबर को अपने, सेकंड नंबर जो है, सेकंड डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करना है तो अपन उसको यहाँ पे राइट करेंगे. लेकिन उससे पहले अपन क्या लगाएंगे? फर्स्ट तो अपन यहाँ पे 0 लगा देंगे. क्या लगा देंगे? 0. अब अपन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 नहीं लगाते हैं अपन. सेकंड डिजिट में मल्टीप्लाई करने से पहले 0 लगाएंगे. ठीक है, 10 लगाएंगे. अब देखिए, 1 के टेबल को 1 टाइम बोलिए. 1, 1. 1 के टेबल को 4 टाइम बोलिए. देखो, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4. फिर 1 के टेबल को 2 टाइम बोलिए, या फिर 2 के टेबल को 1 टाइम बोल लीजिए. या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएंगे. तो देखो, 2 के टेबल को 1 टाइम बोलते, 2 बन जा 2, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे? इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, इनको और इनको ऐड कर देंगे. 2 प्लस 0 कितने होते हैं? 2. 8 प्लस 1 कितने होते हैं? 9. 4 प्लस 4 कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8.
और 2 को ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे। ये था 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई, अब अपन करेंगे 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो देखिए 3 की टेबल को 5 टाइम्स पी कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो 15 का 5 यहाँ आ जाएगा और इससे नेक्स्ट वाली और जो कैरी पावर है वो अपने नेक्स्ट वाले डिजिट पे लग जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के टेबल को 2 टाइम स्पीक करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 1 कैरी पावर ऐड हो जाएगा 6 में, तो कितने आ जाएंगे 7। ठीक है, 3 के टेबल को 1 टाइम स्पीक कीजिए, 3 1 जा 3। ठीक है, अब अपने को इससे नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन में इसकी फर्स्ट टाइम तो अपन कोई जीरो नहीं लगाते, लेकिन नेक्स्ट वाले डिजिट सेकंड डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने जीरो लगा दी, अब इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे। तो 2 के टेबल को 5 टाइम स्पीक कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 बोरो यहाँ लग जाएगा, 1 कैरी पावर यहाँ लग जाएगा। अब देखिए 2 के टेबल को 2 टाइम स्पीक कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 में 1 कैरी पावर ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 में 1 कैरी पावर ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, अब 2 के टेबल को 1 टाइम स्पीक कीजिए, 2 1 जा 2, 2 आंसर आ गया। अब करते हैं थर्ड वाले डिजिट का मल्टीप्लाई। तो थर्ड वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे। सेकंड वाले डिजिट में तो 1 0 लगाया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 0। अगर 4 डिजिट का करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 3 0, 1 2 3 0। 5 का करना है तो 1 2 3 4 0, 6 का करना है तो 1 2 3 4 5 0। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए 3 के टेबल को 5 टाइम स्पीक कीजिए, सॉरी 1 1 के टेबल को 5 टाइम स्पीक कीजिए। तो देखो 5 के टेबल को 1 टाइम स्पीक करो या 1 के टेबल को 5 टाइम, आंसर सेम आएंगे। तो 5 के टेबल अपन स्पीक कर लेते हैं, 5 1 जा 5। ठीक है, अब 1 के टेबल को 2 टाइम स्पीक करना है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 राइट कर देंगे। 1 के टेबल को 1 टाइम तो 1 1 जा 1। ठीक है, ये अपन ने राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, लास्ट क्या करते हैं, इनका एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, इनका एडिशन। तो देखिए 5 0 0, आंसर क्या आएगा 5। 7 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा 7। सॉरी 5 यहाँ राइट करना है ना, नेक्स्ट में 7। फिर देखिए 3 प्लस 5 प्लस 5, आंसर क्या आया 5 प्लस 5 को ऐड कीजिए पहले तो 6 7 8 9 10, 10 आ गया। अब 10 में 3 और ऐड कर दीजिए, 11 12 13, आंसर क्या आया 13 का 3 और 1 कैरी यहाँ पे राइट कर देंगे। 2 प्लस 2 प्लस 1 कितने आए 1 2 1 2 और 1, आप टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, आंसर कितने आएंगे 5 और 1 को यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले डिजिट, ये भी 3 नंबर्स की डिजिट है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 के टेबल को 5 टाइम स्पीक करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 2 के टेबल को सेम टाइम स्पीक करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड कर दो, कैरी तो ऐड होगा ही ना, तो 15 का 5 और 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 2 के टेबल को 2 टाइम स्पीक करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 में 1 कैरी पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट
सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई करने से पहले अपन क्या लगाएंगे, 1 0। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो 1 की टेबल को 5 टाइम स्पीक करो। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, ठीक है। तो 5, 1 की टेबल को 7 टाइम स्पीक करो तो क्या आएंगे, 7। 1 की टेबल जब स्पीक करते हैं, 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो वाली डिजिट ऐसे की ऐसे ही राइट कर देते हैं। जैसे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 5 को एज इट इज ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे। अगर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 को एज इट इज ऐसे की ऐसे राइट कर देंगे, ठीक है। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को एज इट इज ऐसे की ऐसे ही राइट कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं थर्ड वाले डिजिट का मल्टीप्लाई। तो थर्ड वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 की टेबल जो है 5 टाइम स्पीक करनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 15 का 5 और 1 यहाँ पे कैरी पावर लगा देंगे, ठीक है। 3 की टेबल को 7 टाइम स्पीक कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 20, 1। और 21 में ये 1 कैरी पावर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 22, ठीक है। तो 22 का 2 राइट कर देंगे और 2 कैरी पावर लगा देंगे। 3 की टेबल को 2 टाइम स्पीक कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 6 में 2 ऐड और कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, लास्ट इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो 1 0 + 0 + 0 आंसर आएगा 0, 5 + 5 + 0 तो 5 और 5 को ऐड कर दीजिए, 6 7 8 9 10, 10 का आ जाएगा 0 और 1 कैरी पावर यहाँ पे लगा देंगे। 5 + 7 + 5 + 1 तो 5 और 7 को ऐड कीजिए, पहले 7 यहाँ पे है तो अपन 5 और ऐड कर देंगे 7 में, 8 9 10 11 12, ठीक है। और इसमें 5 और ऐड कर देंगे 12 में, 13 14 15 16 17, 17 में 1 कैरी पावर ऐड कर देंगे, 18, 18 का 8 आ जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा, 18 का 8 और 1 कैरी पावर यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखिए, 2 + 2 + 1 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 1 2 और ये 1 कैरी पावर, तो टोटल को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, आंसर कितने है अपने पास, 5। नेक्स्ट 8 को एज इट इज जैसे कि ऐसे ही राइट कर देंगे। अब देखिए, इससे नेक्स्ट वन डिजिट 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 21 का 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी पावर है इसका। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएंगे, 42 में 2 ऐड कर दो, 42 में 2 ऐड कर दो तो कितने आएंगे, 44 का 4 यहाँ पे राइट कर देंगे और 4 यहाँ पे कैरी पावर लगा देंगे। अब 4 की टेबल को 7 की टेबल को 9 टाइम स्पीक कीजिए, 7 के टेबल को 9 टाइम स्पीक कीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा आपने पास, 63, कितने आएंगे, 63, 9 7 जा 63, 63 में 4 ऐड करो, 64 65 66 67, तो 7 तो 67 लास्ट डिजिट है तो 67 एजिट जैसे कि ऐसे ही राइट कर देंगे। इससे नेक्स्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लगाएंगे, पहले 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की टेबल को 3 टाइम स्पीक कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2 राइट कर देंगे, 1 यहाँ पे कैरी लगा देंगे। अब देखिए, 4 के टेबल को 6 टाइम स्पीक कीजिए, 24 में 1 ऐड कर दीजिए, क्या है आंसर, आंसर क्या आएगा, 24
फाइव और यहाँ पे टू कैरी लगा देंगे। सिक्स की टेबल को सॉरी फोर की टेबल को नाइन टाइम स्पीक कीजिए, फोर की टेबल को नाइन टाइम स्पीक कीजिए। क्या आया? थर्टी सिक्स में टू ऐड कर दो, आंसर आएंगे 38। क्या आंसर आएंगे? 38। चलो अब थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई करने के कितने जीरो लगाएंगे? 20। और अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। थ्री की टेबल को थ्री टाइम स्पीक कीजिए। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। थ्री की टेबल को सिक्स टाइम स्पीक कीजिए। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन। एटीन का एट और वन कैरी यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए थ्री की टेबल को नाइन टाइम स्पीक कीजिए, क्या आएगा? 27। 27 में वन ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। और अब टोटल को अपन ऐड कर लेते हैं। तो देखिए वन प्लस जीरो प्लस जीरो, आंसर क्या आया? वन। फोर प्लस टू प्लस जीरो, तो फोर और टू को ऐड कर दीजिए, फाइव। सिक्स, आंसर क्या आएगा? सिक्स। अब सेवन प्लस फाइव प्लस नाइन को ऐड कर दीजिए, तो सेवन और फाइव को ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ट्वेल्व में नाइन ऐड करो, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू। ट्वेंटी टू का टू यहाँ पे राइट कर देंगे और टू क्यारे लगा देंगे। सिक्स प्लस एट कितने होंगे? नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, और एट और ऐड कर दीजिए, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू। ट्वेंटी टू में टू और ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगी? ट्वेंटी फोर, और टू बोरो यहाँ पे राइट कर देंगे, सॉरी टू कैरी पावर यहाँ पे राइट कर देंगे। एट प्लस थ्री प्लस टू, एट और थ्री को ऐड कीजिए, आंसर आएंगे नाइन टेन इलेवन। इलेवन में टू और ऐड कर दो, ट्वेल्व थर्टीन। थर्टीन का थ्री और वन कैरी यहाँ पे आ जाएगा, टू प्लस वन आंसर आएगा थ्री। तो ये था अपना मल्टीप्लाई, वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट का अपन ने मल्टीप्लाई सॉल्व किया है, ओके। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ये आपको हाउस से करके लाना है, ओके। इट्स इनफ फॉर टू डेज, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।